हेलो फ्रेंड्स, तिवारी वेजिटेरियन रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के मौसम में बनने वाली आंवला मुरब्बे की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। ये आसानी से आधे घंटे में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो आंवला। इसे मैंने अच्छे से धो करके कपड़े से पोंछ लिया है और साथ ही मैंने लिया है 950 ग्राम गुड़। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लच्छे बन करके तैयार हुए हैं। इसी तरह से सारे आंवलों को हम ग्रेट कर लेंगे और बीज को साइड में कर देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है इसे। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। इसे गर्म होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें ग्रेट किया हुआ आंवला डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और 4 से 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। इससे क्या होगा, आंवले का जो कसैलापन है वो कम हो जाता है और मुरब्बा टेस्टी बन करके तैयार होता है। चार से 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी ऐड ना करें। थोड़ी देर में ये इजीली पिघल जाते हैं। इन्हें ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। गुड़ डालने से बहुत हेल्दी बनते हैं और साथ ही टेस्टी भी बनते हैं। आप इसमें गुड़ डाल के ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। चाशनी बनना स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखें कि इसमें आप पानी बिल्कुल भी ना डालें। इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो पानी इसमें बिल्कुल ना डालें। इसे हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए चाशनी अभी बहुत पतली है। इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। इसे पकने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी पहले से बहुत गाढ़ी हो गई है। इसे थोड़ा और पकाएंगे। अब हम इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि ये ऐसे ही टेस्टी बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। इसे थोड़ा और पका लेंगे। अब इसे हम चेक करके देखेंगे। अगर इस तरह से चिपचिप हो रहा है, एक तार बन रहा है, इसका मतलब मुरब्बा बन करके तैयार है। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। इसे एक प्लेट में डाल करके देखें। अगर ये जैम की तरह सेट हो रहा है तो मुरब्बा रेडी है। इससे ज़्यादा इसे ना पकाएं, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। गैस बंद कर दें, ठंडा होने दें, फिर सर्व करें। ये देखिए आंवले का टेस्टी हेल्दी मुरब्बा बन करके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।